बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष के लखनऊ दौरे का आज तीसरा दिन, आज दोपहर तक वो पार्टी मुख्यालय पर ही रहेंगे मौजूद। मथुरा में तीन युवकों ने घर में घुसकर किया हमला, युवती को युवकों ने छत से फेंका, युवती की। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में खतरे को देखते हुए सीएम योगी ने आदेश दिए, बाढ़ प्रभावित जिलों में सर्च और रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की 42 टीमें तैनात की गई। प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार, कल भी लगभग 8 लाख तक पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा, रोज 10 से 12 लाख प्रतिदिन वैक्सीनेशन का है लक्ष्य। हमीरपुर में युवती की मौत के मामले में बीजेपी विधायक ने सीएम को चिट्ठी लिखी, विधायक ब्रजभूषण ने सीएम को खत लिखकर आरोपियों और लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज निर्वाण दिवस के रूप में मनाती है बीजेपी, सीएम योगी स्वतंत्र देव सिंह पुष्पांजलि कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज सीएम योगी प्रदेश के 30,000 एमएसएमई सेक्टर से जुड़े उद्यमियों को बड़ा तोहफा देंगे, 25,000 करोड़ का लोन वितरित करेंगे, 12 बजे का है कार्यक्रम। पौड़ी में घरों के अंदर दरारें आने से लोग दहशत में, तेज बारिश से कृषि भवन के पास रह रहे लोगों के घरों में दरारें आईं। जोशीमठ में आफत में फंसे लोगों को जेसीबी मशीन से रेस्क्यू किया गया, कंचन गंगा के पास बद्रीनाथ हाईवे जाने वाले रास्ते पर कुछ लोग फंस गए। उत्तराखंड बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने नया फॉर्मूला तय किया, बोर्ड रिजल्ट के लिए पिछली क्लास के रिजल्ट को आधार बनाया जाएगा।